हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू ब्रांड न्यू सेशन ऑफ स्टॉकर्स लर्न एंड अर्न। चलिए देखते हैं कल मार्केट का मोमेंटम कर सकता है, कौन से सुपर सेटअप्स में हम ट्रेड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं निफ्टी 50 में बात करना चाहूंगा। निफ्टी 50 में दो ईएमएस मैं ओपन करना चाहूंगा, जो कि ये ईएमए 50 एंड ईएमए 200। आज एक इनका क्रॉसओवर दिखा और मार्केट नीचे जा रहा था। जब भी इनका क्रॉसओवर होता है ना और मार्केट नीचे जा रहा है, तो इसका एक ही मीनिंग होता है कि मार्केट उस टाइम का हाई अगर ब्रेक करती है तो डेफिनेटली मार्केट अच्छे मोमेंटम के साथ ऊपर जाएगी। आज भी यही हुआ, इसने इसको क्रॉस किया और अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट ने अच्छा खासा 1.18% का मोमेंटम दिया है, जो कि एक ईजी नहीं रहता है मार्केट में। बहुत अच्छा मोमेंटम मिला और उसके बाद हायर लो का पैटर्न बना के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन में आके रुक गया है। ये जोन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं आपको ये जोन दिखाऊं ना, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये देखिए, यहां से शुरू करूंगा। फॉल्स ब्रेकआउट मार्केट अप मीन्स कि यार ये जो जोन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन बन जाता है। अब इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं, अगर ये इस जोन को ब्रेक करता है, अगर ये कल इस जोन को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली पहला टारगेट हमें ये दिखेगा 17,050, दूसरा टारगेट 17,200। बट दूसरी कंडीशन हो सकती है कि यहीं से कुछ ऐसा करें, यहाँ पे आए, इस बार ऊपर की तरफ फेक ब्रेकआउट दे दे और नीचे आए, इसको क्रॉस करेगा ना, आंख बंद करके ये वाला पॉइंट ना जो 16,750, ये तो डेफिनेटली हमें मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है। उसके बाद जो ये जोन बनता है, उसके बाद बनता है ये 16,600, बहुत अच्छे लेवल पे दिख रहा है। कल एक स्टीप मोमेंटम देखा, अगर फ्लैट खुलता है, अगर गैप अप या गैप डाउन खुलता है, जो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, तो डेफिनेटली कोई प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, पिवट के लेवल देखने पड़ेंगे। बट ये बहुत अच्छे लेवल पे दिख रहा है, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी में मोमेंटम निफ्टी से ज्यादा होता है, तो बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में क्रॉसओवर आया 10:30 और 10:30 क्या हुआ, इसने एक अपना हाई भी तोड़ा। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच करूँ ना, बहुत अच्छे से दिखेगा। ये देखिए 15 मिनट का क्रॉसओवर, 5 मिनट पे 10:30 ना, ये देखो एग्जैक्टली। पहले तो ये दिन का हाई ब्रेक करता है, रिट्रेस करता है, डेफिनेटली जब ये पॉइंट ब्रेक हो रहा है, इसी कैंडल पे बाय बनता था और टारगेट मिला 1.40%, 490 पॉइंट का बैंक निफ्टी का टारगेट बहुत अच्छा होता है। तो अब इसको कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, लेट्स जस्ट स्विच टू 15 मिनट। कल ये जोन इसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है फॉल्स ब्रेकआउट होता है, नीचे डिप कर जाता है, एज अ रेजिस्टेंस काम करता है, अब उसी जोन में आ चुका है। अब अगर ये इसको ब्रेक करता है तो डेफिनेटली 36,200 पे भी होल्ड करेगा। ऐसा नहीं है कि ये सीधा जाएगा, सीधा 36,200 को टच करेगा, ये कुछ ऐसा करेगा, यहाँ पे गया 36,000 पे होल्ड किया, नीचे आया,
इसी टाइम पे ये एक सपोर्ट लेगा और फिर ये ब्रेक करेगा, और 36200 पे कैंडल देखना, कैंडल बहुत बड़ी होगी, कैंडल बड़ी होगी तो अच्छे लेवल पे दिख रहा है। नीचे की तरफ मैं अगर मैं बोलूँ तो नीचे की तरफ अगर ये स्विंग को ब्रेक करता है ना 35200 को, तो आज का लो तो ये टेस्ट करेगा करेगा जो कि है 34600। उसके बाद जो मुझे टारगेट दिख रहा है, उसके बाद टारगेट दिख रहा है ये 34200, अच्छे लेवल पे दिख रहा है। हम न्यूट्रल लेते हैं हमेशा और न्यूट्रल ही रहेंगे। चलिए कुछ सुपर सेटअप्स देख लेते हैं। पहला स्टॉक है जिंदल स्टील। जिंदल स्टील में एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि जब पैटर्न बन गया तब कोई काम नहीं है, बाकी के मेंटर क्या करते हैं कि बाकी के मेंटर बोलते हैं कि हाँ जी जी ये एक टॉप, ये डबल टॉप, ये डबल टॉप आपकी बन गई और हमको यहाँ कहीं पे सेल करना था। अरे भाई सेल तो कर लेंगे बट दिखे तो सही, आप तो बता रहे हो कि ये तो अब तो ये चीज़ तो हो चुकी, हम ये मोमेंटम तो लॉस्ट कर चुके हैं। बट स्टॉकर्स में हम क्या करते हैं, स्टॉकर्स में हम अच्छे से ये चीज़ पढ़ाते हैं, उनको दिख जाए। अब इसको ट्रेड कैसे करेंगे, शोल्डर हेड और शोल्डर ये बन रहा है। अब अगर ये इसको लो को ब्रेक करता है, पहले शोल्डर तक का टारगेट तो मिलेगा 468 और अगर ये इस नेकलाइन को ब्रेक करता है, अगर ये इस नेकलाइन को ब्रेक करता है 479 तो डेफिनेटली 484 तो मिलेगा मिलेगा, और उसके बाद भी अगर मैं देखूं तो टारगेट हाँ 484 तो मिलेगा मिलेगा, तो एक बहुत अच्छे लेवल पे दिख रहा है। नीचे की तरफ भी हो सकता है ये ऐसे करे, एक फॉल्स ब्रेकआउट दे और फिर नीचे डिप करे, फिर ये क्या कहलाएगा, डबल टॉप। ये एक टॉप, ये सेकंड टॉप एंड फॉल, तो बहुत अच्छे लेवल पे दिख रहा है। अगले स्टॉक की बात करूं तो अगला स्टॉक है इंडिगो। इंडिगो में एक बहुत ही अच्छा जोन है जो कि ये यहीं से ऊपर गया, फॉल किया, एक पूरी की पूरी रैली किया और रैली भी अच्छी खासी थी 15% की, 15% की रैली करता है और फिर से उसी जोन पे आके एक दो तीन, तीन बार तो इसको टेस्ट कर चुका है, एक दो तीन। अब इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं, बहुत ही इजी रहेगा, बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं है। सेफ ट्रेडर 1.72 रुपए के लिए रुक जाओ, इस जोन को टूटने दो। अग्रेसिव ट्रेडर क्या करेंगे, अग्रेसिव ट्रेडर करेंगे यहीं पे बाय कर लो, जोन बन रहा है 1830, यहीं पे बाय करो फॉर द टारगेट ऑफ दिस सेकंड टारगेट EMA 200 एंड थर्ड टारगेट आज का दिन का लो 1760। ऊपर की तरफ मैं बोलूंगा 1% का टारगेट स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेना जब भी अचीव होता है, देन 1.50% का टारगेट स्टॉप लॉस ट्रेल टू 1%, देन 2% का टारगेट स्टॉप लॉस ट्रेल टू 1.50%। बहुत अच्छे लेवल पे दिख रहे हैं। अगला स्टॉक है HDFC, HDFC लिमिटेड, नॉट बैंक, HDFC है ये। HDFC में सेम पैटर्न, ये क्या है, वन टॉप टू टॉप, इट इज डबल टॉप, और उसके साथ एक और पैटर्न बन रहा है, पैटर्न और तीन बन रहे हैं, ये देखिए एक दो, अब यहाँ से नीचे आएगा तो तीन, डबल टॉप, हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, तीन पैटर्न बन रहे हैं इस पे, तो
बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं? अगर ये इस टॉप को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली, अगर ये इस टॉप को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली टू थ्री टू फाइव फर्स्ट टारगेट, स्विंग ट्रेडिंग भी ले सकते हैं 2400। और अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है ना, हम नेक लाइन टूटने का वेट नहीं करेंगे। अग्रेसिव बायर्स तो यहीं पे घुस जाओ 2270 पे, जो हाँ अग्रेसिव बायर 2270 पे घुस सकता है, और जो थोड़े से शांत है वो 2250 का वेट करें। टारगेट दोनों का सेम है, 2210 रुपये, सॉरी 2225 रुपये। बहुत अच्छे लेवल पे दिख रहा है ये। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर मेकिंग द पार्ट ऑफ द वीडियो। आई विल सी यू गाइस ऑन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स। बूम।